प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। लोकसभा के पूर्व सांसद पहुंचे भाजपा जिला कार्यालय, लोकसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक में लिया हिस्सा। चोरों के हौसले हुए बुलंद, कचहरी के कंट्रोल रूम के तोड़े ताले। संपूर्ण समाधान दिवस पर डीएम ने सुनी समस्याएं, डीएम ने सुनी फरियादियों की शिकायतें। सर्दी के चलते हुई पिता और बेटे की मौत, घटना के बाद प्रशासन आया हरकत में, मृतक के परिजनों को दिया कंबल। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाया गया अभियान, यातायात नियमों का पालन करने के लिए किया जागरूक। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, मैं हूं मनीष भदौरिया। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों से। उत्तर प्रदेश कमेटी के प्रदेश मुख्यालय पर भारत जोड़ो यात्रा की यूपी में सफलता को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष नकल दुबे ने भारत जोड़ो यात्रा के उत्तर प्रदेश में सफलता को लेकर कहा कि गाजियाबाद, बागपत, शामली में यात्रा इतनी सफल रही है कि सड़कों पर पूरी प्रदेश की जनता राहुल गांधी को उन्हें आशीर्वाद देने आई। साथ ही उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर हमला बोलते हुए कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और कानून व्यवस्था से परेशान आम जनमानस भारी संख्या में सम्मिलित हुए और बीजेपी हमारी यात्रा से डरी हुई है, इसलिए अपनापन, अनाप शनाप, बयानबाजी कर रही है। गाजियाबाद से मैं देखा जो मंजर हम लोगों ने, उसको साझा जरूर करना चाहेंगे आप लोगों से। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा का पूरा प्रदेश राहुल गांधी जी को आशीर्वाद देने के लिए सड़कों पर उतर आया हो, चाहे वो माताएं बहनें हों, चाहे बच्चे हों, चाहे नौजवान हों, चाहे किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, हर कोई राहुल गांधी जी की एक झलक पाने को आतुर दिखाई पड़ा और सबके मुंह से यही आवाज़ निकल रही थी, दिखाई पड़े सबका मन, सबकी आंखें यही कह रही थी कि जल्दी से जल्दी हमको महंगाई से, बेरोजगारी से, लाचारी से, भ्रष्टाचार से, अपराध से मुक्ति दिलाइए। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह हमारे साथ हैं। अशोक जी, आप भारत जोड़ो यात्रा होकर आए हैं, अब हरियाणा यात्रा पहुंच गई है, बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कैसा रहा भारत जोड़ो यात्रा? पहले तो आपके दर्शकों को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। बस मैं इस यात्रा में चूंकि मैं शामिल था और इस यात्रा का एक ही मकसद था, नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी, यही पैगाम लेकर हम जन जन तक पहुंचेंगे। और वो लोग बेनकाब हो गए हैं जो यात्रा के बारे में तमाम सारी बातें किया करते, तो उनके चेहरे उतर गए हैं। तो निश्चित तौर पर राहुल जी कि इस यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा जब 3 जनवरी को उत्तर प्रदेश में प्रवेश हुई, चाहे वो किसान हो, नौजवान हो, हमारे साथी हों, उत्तर प्रदेश की जनता हो, जिस तरीके का जन सैलाब और जिस तरीके का प्यार और मोहब्बत भारत जोड़ो यात्रा को मिला है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि नफरत हारेगी और मोहब्बत जीतेगी। टी शर्ट को लेकर काफी सियासी घमासान चल रहा है और टी शर्ट पे शुरुआत में भी बात चली कि बर्बरी की टी शर्ट है, 80,000 की है, और अब टी शर्ट पे ये सवाल उठ रहा है कि उन्हें ठंड नहीं लग रही, इस पे आप क्या कहेंगे? सवाल वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने कभी क्रिकेट नहीं खेली और BCCI में जो लोग पदाधिकारी हो गए, तो सवाल वही लोग कर रहे हैं। सवाल तो पूछने का अधिकार इस देश में खत्म हो गया है, सवाल पूछने का अधिकार इसलिए खत्म हो गया कि अगर मैं सवाल अभी पूछ लूं तो पाकिस्तान भेजने की बात करेंगे, मेरे खिलाफ मुकदमा लिख जाएगा। सच बोलना इस सरकार में जुर्म हो गया है, सच बोलना जुर्म हो गया। राहुल जी ने लगातार इस मामले को लेकर, इस मामले को बहुत सारी टिप्पणियां की हैं, इस मामले को लेकर तमाम तरह की बातें हुई। राहुल जी ने स्पष्ट तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया है, देश के प्रधानमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नहीं हैं। राहुल जी तो यात्रा से लेकर लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लगातार जवाब दे रहे हैं, पत्रकार साथियों के सवाल के जवाब दे रहे हैं। सवाल यही है कि आज मुद्दों पर चर्चा भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं? जनता पार्टी के नेता कहते हैं ये यात्रा सांकेतिक यात्रा उत्तर प्रदेश में, महज 3 जिलों में होके गुजरी। नहीं देखिए, इस पर भी पूरा चूंकि कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एक सीधा शेड्यूल यात्रा का था और आने वाले समय में हम हाथ जोड़ो और नफरत छोड़ो
की राजनीति हम यात्रा शुरू करेंगे, मगर दूसरा सवाल भारतीय जनता पार्टी से है कि पूंजी निवेश के नाम पर जो लूट मची है वो बताएं, जो मंत्रियों को दौरे पर कितना खर्च हुआ और पिछले 5 साल में कितना पूंजी निवेश उत्तर प्रदेश में हुआ, आज भी 5 साल से गड्ढे भर रही है, लोगों की जाने जा रही हैं। आप महंगाई पर चर्चा नहीं करेंगे, आप बेरोजगारी पर चर्चा नहीं करेंगे, आप डीजल पर दाम नहीं। आज किसान जिस तरीके से राहुल गांधी का स्वागत कर रहा था और जिस तरीके से प्रेम दे रहा था, इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की दरक गई है जमीन, और दरकती हुई जमीन और खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही है। हाथ से हाथ मिलाओ एक यात्रा का शुभारंभ किया, जब अभियान के शुभारंभ की जा रही है 26 जनवरी से, इस यात्रा को कैसे आप प्रारूप दे रहे हैं और क्या किया जाएगा इस यात्रा में? लेकिन निश्चित तौर पर 26 जनवरी से कार्यक्रम हमारा प्रस्तावित है, अभी हम इसकी तैयारी कर रहे हैं और प्रियंका गांधी जी जो हमारी राष्ट्रीय महासचिव उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं और सभी प्रभारीगण और सभी प्रांतीय अध्यक्ष बैठ कर इसको प्रोग्राम को इस यात्रा को फाइनलाइज करने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से हमें 3 जनवरी को भारत जोड़ो यात्रा में जनसमर्थन मिला है और उम्मीद करते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश की जनता का हमें जनमत और स्नेह और हमें प्यार मिलने जा रहा है, और यही कारण है कि डर के कारण भारतीय जनता पार्टी नगर निगम चुनाव नहीं करा। अशोक जी, आखिरी सवाल, ये यात्रा 3,500 किलोमीटर कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जा रही है, बात की जाए तो ऐसे कई सारे राज्य, झारखंड की बात की जाए, बिहार की बात की जाए, उत्तर प्रदेश महज 3 जिला गई है, तो क्या ये यात्रा का दूसरा फेज भी शुरू होगा जिसमें अन्य राज्य भी कवर किए जाएंगे? लेकिन निश्चित तौर पर सबकी उम्मीदें हैं, उत्तर प्रदेश की जनता भी चाहती है, उत्तर प्रदेश का कांग्रेस कार्यकर्ता भी चाहता था कि यात्रा ज्यादा से ज्यादा जिले कवर हो, मगर शेड्यूल के हिसाब से यात्रा को सीधे एक रेखांकित तरीके से पहुंचाने का प्रयास किया गया है। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि अपने शीर्ष नेतृत्व से कि राहुल जी उत्तर प्रदेश पर भी यात्रा करें, ऐसा मैं बात जी। शुक्रिया। तो हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अशोक सिंह थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि इस यात्रा से कहीं ना कहीं हम मोहब्बत बांटने का काम कर रहे हैं, और साथ ही देश के अंदर में ऐसी कई सारी यात्राएं निकाली जाएंगी जिससे हम जो हमने नारा दिया है भारत जोड़ो वो हम कर सकेंगे। कैमरामैन नीवेश के साथ विभांशु, प्राइम टीवी, लखनऊ। राजधानी लखनऊ के केडी सिंह बाबू स्टेडियम में एकल अभियान के द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन 5 फरवरी से 7 फरवरी तक किया जा रहा है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर राष्ट्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर मौजूद रहेंगे, साथ ही उनके द्वारा खेलकूद प्रतियोगिता का उद्घाटन किया जाएगा। इस आयोजन में एकल अभियान का साफ तौर पर लक्ष्य है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करने वाले युवक युवतियों को खेल जगत से जोड़ा जाए और उन्हें बेहतर स्टेडियम तक पहुँचाया जाए जिससे वह देश का नाम रोशन कर सके। भारत के ग्रामीण और वनवासी क्षेत्र में निवास करने वाले युवक युवतियों के लिए खेल जगत में कुछ अवसर उपलब्ध हो सकें, उनको भी स्टेडियम तक पहुंचने का अवसर मिल सके, उनको भी अपने जीवन में स्पोर्ट्स किट के बारे में जानकारी मिल सके और आगे बढ़कर भारत की राष्ट्रीय टीम में वो भी अपनी भूमिका निभा सकें, इस उद्देश्य को लेकर एकल अभियान ने राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद समारोह आयोजित करने का विचार किया। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिशा निर्देशों के अनुसार गाजियाबाद में सड़क सुरक्षा को लेकर एक बड़ा अभियान गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया जा रहा है। 5 जनवरी में यह अभियान शुरू किया गया है और आगामी 4 फरवरी तक यह अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत गाजियाबाद ट्रैफिक पुलिस ने लोगों को ट्रैफिक नियमों का लेकर जागरूक करने का काम कर रही है। वहीं ट्रैफिक नियमों की अनदेखी कर अपने साथ दूसरे की जान भी मुश्किलों में डालने वाले वाहन चालकों पर कार्रवाई की जाएगी। ADCP ट्रैफिक रामानंद कुशवाहा ने बताया कि DME पर बढ़ रही घटनाओं के मद्देनजर अभियान चलाया गया है। DME पर 3 पहिया और 2 पहिया वाहनों का प्रवेश वर्जित है, इसलिए DME पर आज अभियान चलाकर वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर ये पूरे 1 महीने का सड़क सुरक्षा अभियान चलाया जा रहा है। इसमें हमारा जो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है इस पर आए दिन एक्सीडेंट होते रहते हैं, इस पर 2-व्हीलर 3-व्हीलर अलाउड नहीं है। इसको लेकर के हमारे कमिश्नर ऑफ पुलिस सर के निर्देशन में यहाँ पर हम लोग अभियान चला रहे हैं कि जो भी इस पर 2-व्हीलर वाले चल रहे हैं उनको रोक करके उनको जागरूक किया जा रहा है और चलान की कार्रवाई भी की जा रही है।
खबर हरदोई से, जहां शहर कोतवाली इलाके में एक किशोरी के घसीटने का हादसा सामने आया है, जो भी अभी तक चर्चा में बना है। बता दें कि भीड़ में दौड़ने से चालक खौफ में आ गया, जिससे वह करीब एक किलोमीटर तक किशोरी को घसीटता ले गया, जिसके बाद गुस्साई भीड़ ने चालक की पिटाई कर दी और कार को पलट दिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है और रिपोर्ट दर्ज कर मामले की जांच में जुट गई। वहीं इस पूरे मामले में एसपी राजेश द्विवेदी का बयान आया है। उन्होंने बताया कि घटना के पीछे जांच में आया है कि चालक भय में आ गया था, जिसकी वजह से वह छात्रा को कार की बोनट में फंसा कर दौड़ाता रहा, जिसमें पुलिस ने एक्सीडेंट की धाराओं के तहत धारा 308 में अभियोजन दर्ज कर लिया है। जो अभी तक जानकारी हुई है, कल साया छात्र है, कोतवाली शहर क्षेत्र में साइकिल से जा रहा था, अचानक एक वैगन आर से उसको टक्कर लग गई और उसका पैर फंस गया कार के बम्पर में, और चालक को जो है वो भय के मारे वो गाड़ी दौड़ाता रहा और ये बालक जो है वो इसी में गाड़ी में फंसा रह गया, जिसको आगे चल के रोका गया और पुलिस द्वारा छात्र को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसमें चालक के विरुद्ध एक्सीडेंट की धाराओं के साथ साथ 308 धारा भी लगाई गई है, जो कि उसके द्वारा गंभीर चोट किया गया है। जो छात्र है उसको गंभीर चोटें नहीं आई हैं, जिला अस्पताल में इलाज के पश्चात उसको लखनऊ रेफर किया गया है। खबर अमरोहा से, जहां लोकसभा के पूर्व सांसद चौधरी कंवर सिंह तंवर ने सबसे पहले अमरोहा नगर में स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर पहुंचकर लोकसभा चुनाव को लेकर कोर कमेटी की बैठक में हिस्सा लिया है और अपने कैंप कार्यालय जनकपुरी पर जन समस्याएं सुनी और साथ ही सभी समस्याओं का निस्तारण भी कराया। इसके बाद विधानसभा हसनपुर के ग्राम बसका कला और गिरवर सिंह सैनी के आवास पर पहुंचकर मृतक के परिजनों से शोकाकुल परिवार को ढांढस भी बंधाया। साथ ही ग्राम फूलपुर निवासी प्रकाश सिंह की पुत्री की शोक संवेदना में उपस्थित हुए। आज हसनपुर में 2-3 गांव में गए थे, जहां जवान मौत हो गई थी और वो एक तो 18-20 साल का लड़का था, छत से गिर गया, वो काम कर रहा था, तो वहां 2-3 गांव में गए थे और दुख सुख में तो जाना पड़ता जब क्षेत्र में आएंगे तो। कोई संदेश यही है कि भाई अब आजकल तो वैसे ही तैयारी सभी कर रहे हैं, तो आज भाजपा की जो है जोर शोर से अब तैयारी में लग गए चुनाव, ये तो अभी पीछे टल गए, जो चेयरमैनी के चुनाव ये तो अभी थोड़े से बाद में होंगे, अब आरक्षण के मुद्दा उठ गया, उस चक्कर में चुनाव पीछे हट गए। खबर अयोध्या से, जहां खून के रिश्तों पर अवैध संबंध भारी पड़ गया। बड़े भाई ने छोटे भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी। बता दें कि छोटे भाई ने बड़े भाई को एक लड़की के साथ आपत्तिजनक अवस्था में देख लिया था और कहा जाता था कि ये सारी बातें घर वालों को बता देगा, जिसके बाद अवैध संबंधों को छिपाने के लिए बड़े भाई ने खून के रिश्ते को तार तार कर दिया और छोटे भाई की हथौड़े से मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मामले की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस व स्वाट टीम ने आला कत बरामद करते हुए हत्यारे भाई को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया और उसे जेल भेज दिया गया। 26 दिसंबर को थाना बाबा बाजार में ग्राम बनगांव में एक 14 वर्षीय बालक का शव हमें जंगल में मिला था। जानकारी करने पर ये पता लगा कि बालक सुबह 8 बजे से घर से गायब था, भैंस बांधने निकला था, परिजन उसको ढूंढ रहे थे और उसका शव शाम को बरामद हुआ था। हमने तत्काल अभियोग पंजीकृत किया, हत्या का मुकदमा लिखा गया था। घटना का अनावरण के लिए हमने टीमें लगाई। आज हमारी जो टीमें काम कर रही थी अनावरण की दिशा में, उनको सफलता प्राप्त हुई है। आज घटना कारित करने वाले अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। मृतक का नाम सुभाष था और जो घटना जिसने कारित की उसका नाम विकास है। ये दोनों आपस में सगे भाई हैं। हरदोई में तहसील सदर में संपूर्ण समाधान दिवस पर आयोजन हुआ है, जिसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी एमपी सिंह ने संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए
उन्होंने कहा कि संपूर्ण समाधान दिवस में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण एक सप्ताह में शासन की मंशा के अनुरूप निष्पक्ष और गुणवत्ता चेक कराकर गरीबों को न्याय दिलाए। साथ ही दबंगों ने भूमि को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश भी दिए हैं और कहा कि अवैध कब्जा पाए जाने पर लेखपालों और कानून गो पर कार्रवाई होगी। खबर औरैया से, जहां 5 जनवरी से 4 फरवरी तक चलने वाले राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के प्रथम सड़क सुरक्षा समिति की बैठक जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की अध्यक्षता में सदर तहसील सभागार में आयोजित की गई है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि सभी अधिकारी और कर्मचारी अपने मानवता को निभाते हुए सड़क पर दुर्घटनाग्रस्त घायलों की मदद करें और यदि किसी की जान चली जाती है तो मृतक व्यक्ति को सरकार की तरफ से लाभ के रूप में अनुदान प्राप्त हो, इसलिए संबंधित विभाग को आवश्यक सूचना दें। बैठक को संबोधित करते हुए DM प्रकाश चंद श्रीवास्तव ने बताया कि सभी लोग अपने अपने जीवन को सुरक्षित रखने के लिए सड़क यातायात के नियमों का पालन अवश्य करें, साथ ही इसके लिए लोगों को भी जागरूक करते रहें। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर एक माह का सड़क सुरक्षा माह संचालित हो रहा है जो परसों लोगों ने उद्घाटन किया था उसका, उस पूरी श्रृंखला में आज का दिन सड़क सुरक्षा समिति की बैठक के लिए निर्धारित था। आज तहसील दिवस के पश्चात हमने सभी अधिकारियों के साथ इस समिति की बैठक की, जिसमें सड़क में अगर कोई रोड इंजीनियरिंग में कोई कमी है, जैसे बताया गया कि मंडी के सामने एक घोड़ा जिले में कमी है, वहाँ एक्सीडेंट जोन है, उसको हम सही कराएंगे। इसी तरह सभी DIS BSC सबको प्रेरित किया गया कि हर विद्यालय में एक सड़क सुरक्षा उनका बच्चों का एक समिति होती है, इसको क्रियाशील कराया जाए। तो DIS ने बताया कि ऐसी समितियाँ हर जगह बन गई हैं, हर विद्यालय में एक वाद विवाद प्रतियोगिता, लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता कराई जाती है, साथ ही प्रार्थना के समय उनको थोड़ा सड़क सुरक्षा के बारे में बताया जाए। इस तरह सभी विभागों के कोऑर्डिनेशन से, यहाँ तक कि हमने रेवेन्यू के अफसरों को, श्रम विभाग के अफसर, ब्लॉक के अफसर को कहा कि अगर कोई घटना होती है तो एक कंबाइंड प्रयास करके उसको मदद पहुँचाएँ। औरैया फफूंद थाना क्षेत्र के ग्राम रोशनपुर निवासी ग्राम विकास अधिकारी अज्ञात कारणों के चलते यमुना नदी में गिर गए, जिसके बाद मछुआरों ने मड़ापुर के पास से उन्हें सुरक्षित बाहर निकालकर उनके परिजनों को घटना की जानकारी दी और आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें रेफर कर दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी हुई है। ये उदय नारायण नामक एक व्यक्ति 48 वर्ष का लगभग 3 बजे जिला अस्पताल औरैया में आया है, जो परिजनों द्वारा सूचित किया गया है कि नदी में गिरे थे, वहाँ पाए गए। अभी हालत इनकी स्थिर है और इनको आगे के उपचार के लिए LLRS कानपुर या किसी हायर सेंटर में भेजा जा रहा है। हरदोई में आवारा गौवंशों से परेशान किसानों ने लाठी डंडे हाथ में लेकर सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक प्रदर्शन किया है और उसके बाद जिलाधिकारी को संबोधित एक ज्ञापन मजिस्ट्रेट को देकर समस्याओं से निजात दिलाए जाने की मांग की। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के बैनर तले जिला अध्यक्ष चेतराम शर्मा के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने पहुंचे। यहाँ किसान हाथ में लाठी डंडे लिए हुए थे और अपनी समस्याओं को लेकर तख्ती लगाकर प्रदर्शन करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ ग्रामीणों को किसानों ने बताया कि आवारा गौवंशों से उन सब की फसलें खराब हो रही हैं। CO सिटी द्विवेदी ने बताया कि ज्ञापन ले लिया गया है और मुख्यमंत्री को सिटी मजिस्ट्रेट के माध्यम से ज्ञापन पहुंचा दिया जाएगा। हमारी फसल उजड़ रही है, हम वहाँ मन्नापुरवा, ककेड़ी, दतेली और कॉलोनी, सूरजीपुर, घमैया इन गाँवों से आए, वहाँ 200-400 जानवर है और कोई गौशाला का प्रबंध नहीं है और पास पड़ोस में गौशाला है, उनमें कोई जानवर नहीं है। अब यहाँ हम कई बार मांग की कि हमारे जानवरों को, ये जितने आवारा पशु हैं उनको गौशालाओं में करवाए जाएं, लेकिन यहाँ के प्रशासन ने कोई सुनवाई नहीं की। ये लोग सांडी के क्षेत्र के रहने वाले किसान हैं और ये अपने हाथों में लाठी और छड़ी लेकर के आए हुए हैं। इनका विरोध प्रदर्शन सरकार के प्रति है कि हमारे गांव में आवारा पशु अधिक हो गए हैं, जिससे हमारी फसलों को नुकसान हो रहा है और गांव में गौशालाएं जो खुली हुई हैं उसमें पशु नहीं हैं और न ही उसमें उनके खाने का कोई सामान है।
तो ये गवर्नमेंट से मांग कर रहे हैं सरकार से कि गौशालाएँ जो खुली हुई हैं उनको सुचारू रूप से चलाया जाए और जिस गांव में गौशालाएँ नहीं हैं उस गांव में नई गौशाला खोल करके और जो आवारा पशु घूम रहे हैं उनको गौशाला में करके हमारी खबर अलीगढ़ से, जहां कचहरी में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं जिससे प्रशासन के सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। बता दें कि बीते दिनों कचहरी से एक अभियुक्त हथकड़ी खोलकर फरार हो गया था, जिसके बाद कचहरी के कंट्रोल रूम में अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया, जिसके बाद मामले में पुलिस प्रशासन की सुरक्षा इंतजामों पर सवालिया निशान खड़े कर दिए गए हैं और चोरी की सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। आज सूचना मिली, सुबह पुलिस को सूचना मिली है कि कोर्ट में सर्वर रूम के आसपास ताले टूटे हुए हैं। मौके पे पुलिस पहुंची है, फॉरेंसिक यूनिट पहुंची है और इसको दिखवाया जा रहा है। फिलहाल अभी तहरीर प्राप्त होने के बाद इसमें आगे भी कार्रवाई की जाएगी। इसको दिखवाया जा रहा है, कैमरे वगैरह चेक कराया जा रहा है किस प्रकार की क्या इसमें से चोरी हुआ है, उसके बाद ही इसमें कुछ कहा जा रहा है। चोरी में क्या क्या गया है सर? अभी क्लियर नहीं है, अभी एक बार तहरीर आ जाए उसके बाद हम क्लियर कर पाएंगे कि क्या चोरी हुआ है। अलीगढ़ में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन डीएम और एसएसपी की अध्यक्षता में किया गया है, जिसके फरियादियों ने अपनी समस्याओं को बताया, जिसके बाद अधिकारियों के द्वारा अधीनस्थों को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए शिकायतों का निस्तारण करने की बात कही गई। दरअसल पूरा मामला तहसील अतरौली का है। तहसील समाधान दिवस रोस्टर के अनुसार आज अतरौली में होना था, इसलिए अतरौली में हम लोग ने आयोजन किया है। मुझे लगता है मौसम की वजह से आज थोड़ी शिकायतें कम आई हैं, मौसम बहुत सर्द है लेकिन कुछ शिकायतें आई हैं, कुछ चक्रों नाली रंजे से रिलेटेड शिकायतें हैं, बहुत गंभीर किस्म की कोई शिकायत नहीं आई है। तो ऐसा लगता है कि अब लोगों में लोगों की समस्याओं का निरंतर, चूँकि हर माह में दो बार तहसील दिवस का आयोजन होता है, फिर थाना दिवस का आयोजन होता है, प्रातः 10 बजे से 12 बजे तक जन सुनवाई होती है, तो शिकायतों में इसलिए भी निरंतरता में कमी आ रही है और इस बार जो रैंकिंग आई है उसमें भी हमारी तहसीलों का लेवल ऊपर है। सड़क सुरक्षा खबर अलीगढ़ से, जहां भयंकर सर्दी के चलते पिता और बेटे की मौत हो गई है, जिसके बाद ग्रामीणों ने घटना से अधिकारियों को अवगत कराया और सूचना पर पहुंची प्रशासनिक अधिकारियों ने मौके पर मृतक के परिवार का हालचाल जानकर मृतक के घर में एक सप्ताह के अंदर 2 मौतें हुई हैं, जिसको लेकर परिजनों में कोहराम मच गया है और परिवार की मौतों पर गाँव के लोगों ने मुआवजे की मांग की। ये प्रशासन के निकम्मेपन के कारण गरीब परिवारों में मौतें हो रही हैं और उनकी स्थिति बद से बदतर होती जा रही है, आवास मिल नहीं रहे हैं। पिछले एक साल पहले इसके 2 बच्चों की मौत हुई थी इसी परिवार में, आज 1 साल बाद फिर 2 लोगों की मौत हो गई और उसके बावजूद भी यह परिवार जहां था उससे ज़्यादा और गिर गया। ये सब गरीबी का कारण है, क्या मौत मकान भी नहीं है इनके पास में और बेरोजगारी भी है। परिवारजनों से अभी बात हुई है तो परिवारजनों ने बताया कि जो कुछ 1 तारीख को इनके पिताजी, जो अभी ख़त्म हुआ है बच्चा, उसके पिताजी की 1 हफ्ते पहले मृत्यु हुई है। जो उसमें 1 तारीख को घटना है उसमें ये कहा गया है कि इनको पहले से टीबी वगैरह कुछ रहा है, शिकायत जो है उसका इलाज भी चल रहा था। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने समस्याओं को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा है। लेखपालों ने बताया कि 1 साल से बार बार खसरे के फॉर्म प्रारूप प्रिंट आउट की मांग किए जाने की बार बार बात सामने आ रही है और परिषद द्वारा 30 अगस्त 2022 को आदेश निर्गत किए जाने के बावजूद लेखपाल को प्रिंट आउट उपलब्ध ना कराए जाने के कारण खसरा फीडिंग कार बंद किए जाने समेत कई मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के जिला पदाधिकारी हैं, लेखपालों से वो काम कराए जा रहे हैं जो परिषद के द्वारा जो है प्रमाणित हो। अगर परिषद कह रही है कि खसरा जो है ऑनलाइन तभी होगा जब हम लोगों को पुराने खसरे के प्रिंट दिए गए, हम लोगों को खसरे के प्रिंट नहीं दिए गए तब भी जिला स्तरीय अधिकारी हम लोगों को ज़बरदस्ती प्रिंट करा रहे हैं। हमने जिलाधिकारी से इस संबंध में मांग की, जिलाधिकारी ने हमारी मांग को बहुत ही सहजता सफलतापूर्वक सुना और उन्होंने निर्देशित किया अपने अधिकारियों को कि लेखपालों को सभी खसरों के प्रिंट आउट किए जाएँ ताकि हम लोग खसरा फीड कर सकें।
खबर अलीगढ़ से, जहां रोरावर क्षेत्र में घर के बाहर आग लगाकर ताप रही लड़कियों को आपस में मजाक करना उस वक्त भारी पड़ गया जब केरोसिन का तेल जलती हुई आग में डाला और तेज उठी लपटों से 5 लड़कियां झुलस गई, जिसको आनंद फानंद में इलाज के लिए जैन मेडिकल में भर्ती कराया गया है, जहां लड़कियों का इलाज जारी है। बच्चियों ने दो ढक्कन तेल डाल दिया, उससे आग नहीं जली। जी आपसे ही में झींगा जप्टी कर रहे हैं जी, वो कटिया जो पलट गई और आग लग गई। खबर अमरोहा से, जहां नगर कोतवाली पुलिस ने फर्जी दरोगा बनकर लोगों के साथ ठगी करने वाले एक शातिर युवक को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उनको मुकदमा लिखकर न्याय के समक्ष पेश किया गया, जिसके बाद पुलिस ने मामले पर अग्रिम कार्रवाई कर न्यायालय में पेश किया है। थाना बछरायू क्षेत्र की रहने वाली नसरी जहां द्वारा थाना कोतवाली नगर पर एक अभियोग पंजीकृत कराया गया, उनके द्वारा लिखित तहरीर में आरोपित किया गया कि एक व्यक्ति जो पुलिस की फर्जी वर्दी पहन करके लोगों को ठगता है तथा उनसे भी उनके लोन कराने के नाम पर 55,000 रुपये व उनके प्रपत्र ले लिए, इसमें सुसंगत धाराओं में तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया तथा कोतवाली नगर ने तत्परता से इसमें कार्रवाई करते हुए अभियुक्त कासिम को गिरफ्तार किया, जो गिरफ्तारी के समय भी सब इंस्पेक्टर की वर्दी पहने हुए था फर्जी रूप से। अभियुक्त को गिरफ्तार कर न्यायालय भेजा जा रहा है, अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। अलीगढ़ के एक गांव में तेंदुए की खबर आग की तरह फैल गई। हर कोई गांव में तेंदुए के आने की खबर को अफवाह समझ रहा था। स्थानीय ग्रामीण जब सुबह घर के बाहर बैठे हुए थे तभी अचानक तेंदुए के आकर उन पर हमला बोल दिया। तेंदुए के हमले से एक बच्चा जख्मी हो गया। ग्रामीण ने शोर मचाया तो तेंदुआ दूसरी ओर भाग निकला। वहीं पीछे से पहुंचे एक ग्रामीण के द्वारा घर में तेंदुए के घुसते ही स्थानीय लोगों की सूझबूझ से उस घर के को बंद कर दिया गया, लेकिन घंटे भर बाद पहुंची वन विभाग की टीम के खिलाफ ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त हो गया। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के थाना जमा क्षेत्र का है। मैं विकास ठाकुर जमा से, और ये जमा से आया है, मतलब जंगल से निकला है, मतलब अंदर गांव में बच्चे ताप रहे थे, यहाँ से उस पर हमला किया है, तो उनने जो ताप रहे थे उनने वो बचा लिया बच्चा जो है, हाँ उस पर अटक आया, फिर वहाँ जो ताप रहे थे यहाँ पे आग पे बैठ के, ये 9:30 बजे की घटना है, फिर ये अंदर की तरफ भाग गया है, किसी ने गौर नहीं किया इसका, फिर ये हमारी घर की तरफ गया, फिर उधर से फिर वापस किया इसने, फिर मैं घेर से आ रहा था, मैं इसके पीछे पीछे, तो ये एक मतलब पड़ोसी के घर में घुस गया है, तो उसमें मैं पीछे ही पीछे गया हूँ, तो उसमें उनसे मैंने बताया, वो मजाक समझ रहे थे, तो फिर उनको उनने देख लिया, तो उन्होंने तुरंत किवाड़ बंद कर लिया, तो बाहर से मैंने किवाड़ बंद कर दिया। ये घटना हम यहाँ पे ताप रहे थे या इस जगह पर घेर में, ये देखा क्या कहते हैं, ये गिराया खेत में, उसने झपट मारी उस पर पीछे से, ये भागा अपनी जान बचा के वहाँ से, इस पर झपट मारी, फिर क्या कहते हैं, हम सब ने हल्ला मचाया यहाँ से भागे, वो झपट मारी इस पर, झपट मार के तुरंत निकल गया है वो। तेंदुआ आया जमा में। अच्छा, आपने देखा? हाँ, मतलब सबसे पहले आपने देखा था? हाँ। आप क्या कर रहे थे वहाँ? हम गैया आंकने जा रहे थे, जब हमने देखा मेरी, हमने तो ये कुत्ता समझा था। अच्छा, फिर हम जा रहे थे, डंडा मारा हमने, तो आप अकेले थे, कोई और भी था आपके साथ? हम अकेले थे। अच्छा, डंडा मारा उसने, हम पीछे जब तक भागने वाले थे, उनने हमारी कमर पकड़ के गिरा लिया मैंने। अच्छा, तो आपको काट लिया? हाँ। अच्छा, फिर आप कैसे आए वहाँ से? फिर हम खड़े होकर जब बज गया ना वो छत को फलंग कर जब आए हम। अच्छा, तो फिर वो तभी चला गया था वहाँ से? फिलहाल उत्तर प्रदेश की अहम खबरों में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।